नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल किशोर। हमारे कैमरे के पीछे है दिनेश वर्मा जी और आज हम जो है चीता पासु किले पर हैं। यहाँ पर हमारे सर जी हैं राकेश, प्रोफेसर राकेश वर्मा जी और बहन जी मनोरमा पासी जी, इनसे कुछ बात करते हैं क्योंकि ये लोग जो है किले की खोज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। इस विषय में हम कुछ जानकारी सर जी से चाहते हैं। सबसे पहले मैं महाराजा चीता पासी की ये पावन जमीन को नमन करता हूँ और आज 2 फरवरी है और आज महाराजा चीता पासी जी की जयंती है। हम यहाँ पर आने का हमारा उद्देश्य ये था कि इस जनपद में ही पड़ोस में खैराबाद जनपद के बसाने वाले महाराजा खैरा पासी का किला खंडहर बन गया, खंडहर बनकर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। आज हम सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे लोगों तक सीतापुर के पासियों को कम से कम जगा देते कि भैया तुम्हारा इतिहास तुम्हारे पड़ोस में मर रहा है और तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर सुना है विधायक जी भी आए थे, शायद मुझे बोलने का मौका मिलता तो विधायक जी से मैं सवाल उठाता कि आप विधायकी कर रहे हो तो अपने इतिहास को नहीं बचा पा रहे हो। ये हमारा इतिहास केवल पारसियों का इतिहास नहीं है, पूरे राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का इतिहास है। अगर हम अपने राष्ट्र के इतिहास को अगर बचा न सके तो लानत है हमारे जीवन पर। अगर हम अपने इतिहास को अपनी विरासत को बचा ना पाए, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ियां कभी हमको माफ करेंगी कि इस इतिहास को हम बचा नहीं पा रहे हैं? महाराजा खैरा पासी का किला अपने समय में ऐतिहासिक धरोहर था और पासी समाज की गौरव गाथा को कहता था। आज अवैध कब्जा हो गया, मैं जा नहीं पाया, मैं जा करके दिखाऊंगा आप लोगों को। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, मुझे इस बात का दुख है कि शायद अगर किसी व्यक्ति ने हमारे खैरा पासी किले को लेकर के आज आवाज उठाई होती तो 2 दिन बाद उसका कारवा तैयार होता और 4 दिन के बाद लड़ाई शुरू होती। तो लड़ाई शुरू करने के लिए 2-4-10 साल पहले आवाज उठानी पड़ती है। आज हम आवाज उठाते तो शायद कल को परिणाम दूसरे होते। जो नेता है ये सत्ता में बैठे हैं पासी समाज के, ये पासी समाज के विषय में खुलकर मंच पर क्यों नहीं आना चाहिए? साथियों, सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के नेताओं से केवल मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम यार अपने जीवित होने का सबूत तो दो। यार हम जीवित हैं क्यों? क्योंकि हम हिल रहे हैं। आदमी के अंदर अगर हलचल होती है तो जीवित है, हलचल नहीं होती तो जीवित नहीं है। ये राज्य की धरोहर है और केवल पासी समाज की नहीं है भाई। कोई भी राजा महाराजा जन्म तो किसी ना किसी जाति में लेगा ही। अगर उन्होंने इस जाति में जन्म लिया है तो राष्ट्र के राजा थे, किसी एक कौम के राजा नहीं थे। और राष्ट्र की धरोहर को बचाने का संकल्प अगर हम लेंगे तो हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। महाराजा गंगा पक्ष रावत का किला बाराबंकी में अवैध कब्जा, लोगों ने मिट्टी तक खोद डाली और महाराज जितने विधायक सांसद चुपचाप बैठे रहे। शर्म आनी चाहिए यार, कुछ अपने लिए कर लो, कुछ समाज के लिए कर लो। वक्त बहुत है आने वाली पीढ़ी, मैं इतना जानता हूं मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आने वाली पीढ़ी एक बार ये तो कहेगी कि जब सब सो रहे थे तो एक आदमी आवाज उठा रहा था और आवाज उठती है तो दूर तक लग जाती है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे प्रकार के कार्यक्रम हो तो कम से कम अपने इतिहास की विरासत को लेकर, बचाने को लेकर के आवाज उठे। आज ये महाराजा लाखन आर्मी लोगों ने तैयार की है, ये आवाजें तो उठी है। 4 साल पहले कुछ नहीं था, 2015 में सुहेल तो पासी को लेकर मैं अकेला लड़ रहा था। आज लोगों ने इतना बड़ा कारवा तैयार कर दिया, आवाजें तो उठी। अगर 2015 में आवाज ना उठती तो ये कारवा नहीं होता। आज आवाज उठेगी तो 5 साल बाद हम अपने अधिकारों को ले लेंगे। महाराजा कड़े दिन पासी का किला कौशाम्बी में है, उसको लेकर के आवाज उठाई है, संघर्ष समिति शुरू हो गई। आवाज तो उठाओ साथियों, खैराबाद भी पासियों का गढ़ है और अगर आवाज उठेगी तो अपने अधिकार, अपनी जमीनें, अपने इतिहास को हम लोग बचा लेंगे। और ये केवल और केवल हमारे समाज का युवा कर सकता है। राजनीतिक बदलाव आएगा ये तय है, कब आएगा पता नहीं। जो समाज के लिए काम करेगा वो आगे चलेगा, नहीं करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। मैं नेताओं से केवल यही उम्मीद करता हूँ कि हम सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने समाज के नेताओं से, विधायकों, सांसदों से उम्मीद करता हूँ कम से कम आवाज उठाओ, तुम्हारी न सुनी जाए कोई बात नहीं, लेकिन संसद में आवाज तो उठाओ यार, चिल्लाओ तो सही, राजा तक आवाज तो पहुंचाओ कि भैया हमारे किले हैं, कोई ना सुने, आवाज उठाओ यार, जिंदा होने का सबूत दो। हम चिल्ला रहे हैं, हमको कोई ना सुने, लेकिन हम चिल्ला तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, कोई तो सुनेगा, कहीं तो आवाज जाएगी, कहीं तो सोच जाए, कहीं तो विचार जाएंगे। आवाज उठनी चाहिए, कारवां तैयार होगा। चिल्लाना है तो आवाज उठाना तो पड़ेगा, अपने हक के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। धन्यवाद। ये बहन जी है, ये हमारे जो है समाज के कुछ लिखती है और गाती है, हम कुछ बात करेंगे। आप जो है जी जय हिंद जय पासी साथियों, जैसा कि भाई साहब ने बोला है कि किले पर जाकर के हम आप लोगों को सबको लाइव दिखाते हैं कि हमारे महाराजाओं के कितने किले हैं जो खंडहर हो गए, उनपे अवैध कब्जा मुस्लिम भाइयों के द्वारा किया गया है, तो हम अपने किलों को किस तरीके से बचा सकते हैं, हम क्या क्या हम उपाय करें कि हम अपने किलों को बचा सके, अपने पास समाज की धरोहर को बचा सके।
तो इस ये हमारा यही प्रयास है कि हम अपनी पहले तो जो विरासत है हमारे महाराजाओं की, हमारे पुरखों की, उस विरासत को बचा सकें और अपने पासी समाज के सभी जितने भी हमारे पासी समाज के लोग हैं उन सभी में मैं वो हीन भावना लोगों के दिमाग से निकाल सकूं जो दलित और शूद्र और छोटी हरिजन जाति के लोगों ने भर दी है। उस हीन भावना को जब हम अपने दिमाग से निकाल देंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ चढ़ के हम अपने समाज में, अपने देश में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये जो दलितवादी जो हीन भावना लोगों में भर दी गई यही हमारे निचले स्तर का काम करती है, हमारे पास समाज को पिछड़ने का काम करती है। तो बाकी तो जो सबने अभी बोल ही दिया है कि हमारे महाराजा खैरा पासी का जो किला है पड़ोस में ही है और खैराबाद जिन्होंने बसाया था, और तो वो खैराबाद बसाने वाले महाराजा खैरा पासी को लोग गुमनाम कर दिए, उनका जो किला वहां पे है खैराबाद में, तो उस किले को बचाने का क्या कोई प्रयास कर रहा है? क्या कोई सांसद विधायक आगे आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। जब हम ही लोग आवाज उठाएंगे तो आप ही जैसे भाई लोग जो लोग सुन रहे हैं आप ही लोग हमारे साथ में सपोर्ट में हमारे आकर के आप ही लोग हमारे कारवां को आगे बढ़ाएंगे। सत्ता पक्ष का कोई नेता जो है पासी समाज के विषय में नहीं खुलकर मंच पर नहीं बोलता जी, कोई भी नहीं बोलता है। हम क्या कहें उन पासी समाज के नेताओं से, उनको हम क्या ही कह सकते हैं भैया, क्योंकि मेरे मुंह से जो शब्द निकलेंगे वो आप शब्द ही निकलेंगे, इससे अच्छा मैं बोलूंगी नहीं। क्योंकि पासी समाज का अगर कोई नेता, कोई सांसद विधायक अगर वो सत्ता में रह करके अपने इतिहास को नहीं बचा सकता, ये बहुत शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इससे बढ़िया तो हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाए भैया घर में, और क्या कर पाएंगे आप? अगर आप समाज के कुछ कर नहीं सकते, आप समाज को कुछ दे नहीं सकते, आप अपने समाज का अपना इतिहास नहीं बचा सकते, अपना अपना वजूद आप लोगों के सामने नहीं अगर दिखा सकते हैं तो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।